नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। हमारे चैनल आयस हिंदी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो मेंस के टेस्ट का डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें आज हम जो है आपका टेस्ट नंबर 3 है ना, जो GS1 का था, उसका जो सेक्शन 1 है यानी कि हिस्ट्री रिलेटेड जो सेक्शन है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चंस का क्या है ना कि अगर आपको एक बेसिक समझ है, अगर आपने आधुनिक भारत को क्रम से एक बार पढ़ा हुआ है, तो आपको ना क्वेश्चंस की स्टार्टिंग यानी कि इंट्रोडक्शन लिखने में और उसके बाद उसका जो कंक्लूज़न है वो लिखने में ना आसानी काफ़ी रहने वाली है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप लोग जानते नहीं हैं, बस आपको क्या है कि पॉइंट्स याद होने चाहिए बेसिकली, और दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा सा इंटरकनेक्टिंग पॉइंट्स का करना आना चाहिए, है ना। उसके अलावा तो देखिए, बहुत कम टॉपिक, वही आपको 15-16 टॉपिक है वही तैयार करने हैं, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा। तो जितना अच्छा आप को पढ़ के पॉइंट्स को याद कर लेंगे, तो वही जब आप पेपर में लिख आएंगे बिना ज़्यादा सोचने में समय गंवाए, तो यहाँ से जो आपका टाइम बच जाएगा उसको आप स्टैटिक्स के पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि आरसी जो मजूमदार थे, उनके अनुसार 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप जो है जो क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है उसी का एक एक करके हेडिंग डालते हुए एक्सप्लेन कर दें, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा तरीका ये है कि जो 1857 का विद्रोह था उसके बारे में जो अलग अलग हमारे लेखक, जो हमारे राष्ट्रीय नेता और जो ब्रिटिश की तरफ के लोग थे, उन्होंने क्या क्या बोला है, ये करके आप उसका स्वरूप बता सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप बताएंगे कि आरसी मजूमदार थे उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम। तो मान लीजिए आपने हेडिंग डाला 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, तो अब इसके सामने आप क्या लिखेंगे। मजूमदार कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि ये पहला आंदोलन हुआ था इंडिया में, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे आंदोलन जो हैं हो चुके थे, जैसे पापना विद्रोह हो चुका था, है ना, जैसे सन्यासी विद्रोह हो चुका था, बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हो चुके थे, यहाँ तक कि आपके बहुत सारे किसान आंदोलन भी इधर उधर होने शुरू हो गए थे। तो मजूमदार कहते हैं कि माना कि इसका थोड़ा व्यापक प्रभाव था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला विद्रोह था। ऐसा विद्रोह जो है ब्रिटिश सत्ता के प्रति पहले भी हो चुका था। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि 1857 का विद्रोह ना ही राष्ट्रीय था। ठीक है, मजूमदार कहते हैं कि एक्चुअली जो आपकी 19वीं सदी के मध्य तक भारत में कोई राष्ट्रीयता की भावना उस लेवल पे जागृत नहीं हुई थी कि ये लोग कोई राष्ट्रीय आंदोलन कर पाते, है ना, तो राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। तो ये कहते हैं कि जितने भी 1857 के आपके विद्रोही थे, उन सब के एक्चुअली अपने अपने रीजंस थे विद्रोह करने के लिए, तो जो है उन सब ने मिलके एकजुट होके एक विद्रोह किया था। इसके अलावा इनका कहना ये है कि जो है इस आंदोलन में, विद्रोह में जो है सबकी व्यापक भागीदारी भी नहीं थी, है ना, जैसे किसानों की उतनी भागीदारी नहीं थी, दक्षिण की तरफ नहीं फैला था। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका पूर्वी एरिया रह गया था, बेसिकली जो आपका ये उत्तर भारत था, उत्तर भारत में भी जो आपका संयुक्त प्रांत था, है ना, वहाँ पे इस आंदोलन की भागीदारी रही थी। और इसके अलावा जो मध्यकालीन वर्ग था, किसानों की भागीदारी तो फिर भी एक बहुत बड़े लेवल पे कम से कम संयुक्त प्रांत वाले एरिया में देखने को मिली थी, लेकिन जो मध्य वर्ग था उसकी जो भागीदारी थी वो नेग्लिजिबल थी। ठीक है, तो ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा ये बोलते हैं ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये क्या कहते हैं कि देखिए, 1857 में किसी भी विद्रोही की मांग अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने की नहीं थी, हर किसी के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ थे, जैसे किसी की पेंशन जो है अंग्रेजों ने रोकती थी। ठीक है, किसी को जो है उनके दत्तक पुत्र के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था, किसी की जो रियासत थी उसको अंग्रेजों ने छीन लिया था।
तो एक तरीके से ये सब लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से कलेक्टिवली मिले और इन्होंने विद्रोह किया। तो इसलिए मजूमदार कहते हैं कि इसलिए ना तो ये पहला था, ना ही ये राष्ट्रीय था, ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ये तो ये जो इन्होंने बोला है, लेकिन अब आप आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते। आप जस्टिफाई करेंगे कि इस विद्रोह को हमारे यहाँ का पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला राष्ट्रीय विद्रोह भी कहा जाता है। जैसे सेन है, सेन इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सावरकर थे, सावरकर ने इसको एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बोला था, और इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि देखिए बहुत सारे सरकारी दस्तावेजों से पता चला है कि विद्रोह के लिए एक सुनिश्चित तारीख जो है रखी गई थी, लेकिन उससे दो दिन पहले ही क्योंकि विद्रोह भड़क गया तो फिर जो है उस तारीख पे एक साथ विद्रोह नहीं हुआ। दूसरा, ये लोग बताते हैं कि जो गांव गांव में रोटी और कमल बटने का पता चलता है वो एक्चुअली एक मैसेज था विद्रोह को शुरू करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की इन्होंने प्रूफ दिए हैं। तो आप जो है दोनों पक्ष लेके चलेंगे। तो ये तो था क्वेश्चन को पहले तरीके से सॉल्व करने का। दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये है कि जो हमारा 1857 का विद्रोह था उसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार जो है व्यक्त किए हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनका अपना मत भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ब्रिटिश तरफ के लोग थे तो वो इसको एक साधारण विद्रोह दिखाना चाहेंगे, वहीं अगर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता थे तो उसको वो उसको एक स्वतंत्रता आंदोलन दिखाना चाहते हैं, है ना। और वहीं पे कुछ न्यूट्रल टाइप के लेखक हैं जो दोनों के बीच का एक बैलेंस व्यू लेके चलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि देखिए जो लॉरेंस और शीले थे उन्होंने इसको केवल एक सैनिक विद्रोह के रूप में मान्यता दी थी, वहीं पे जो आपके रीस थे, रीस ने इसको एक धर्म युद्ध की जो है संज्ञा दे दी थी, वहीं टी आर होम्स ने तो बोल दिया था कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का विद्रोह है। लेकिन उस समय की जो तत्कालीन सरकार में जो विपक्ष के नेता थे बेंजामिन डिजराइली, है ना, उन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह बोला था। इसी तरह जो है शशि भूषण चौधरी थे, इन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम बोला था। तो इस तरह अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की थी। तो इस वाले क्वेश्चंस में आपको एक साइड लेके नहीं चलेंगे, आपने दोनों तरह के पक्षों को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था, बाकी क्वेश्चंस आज के काफ़ी इजी हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो पटना कलाम चित्रकला है उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है और साथ में वो लुप्त क्यों होती गई इसके कारणों पर भी प्रकाश डालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप जो है एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे पटना कलाम चित्रकला के बारे में, जो आपका खुद का अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए। उसके बाद जब आप इसकी विशेषताएं बताना शुरू करेंगे तो आसान है, बुक में दी हुई है। तो जैसे क्या है कि जो मुगल शैली के रंग थे, है ना, जो रेखाएं थी, और साथ में जो कंपनी शैली का छाया वाला जो प्रकाश छाया वाला जो प्रभाव था वो उनकी जो है स्पष्ट रूप से इसके ऊपर प्रभाव था, ठीक है, पटना शैली के ऊपर। उसके अलावा जो है कि जो पटना शैली के बॉर्डर थे वो हमेशा बहुत सादे रहते थे, है ना, वहीं अगर आप देखेंगे तो जो मुगल शैली के थे उनके बॉर्डर्स तो काफ़ी कलात्मक होते थे। जैसे क्या था कि ये मान लीजिए एक पेंटिंग है तो उसके बीच में मान लीजिए एक कोई बनाई गई, और ये जो बॉर्डर्स होते थे ये पटना शैली में सादा रहते थे, लेकिन जो मुगल शैली थी उसमें इन पर काफ़ी ज़्यादा नक्काशी रहती थी, बल्कि कई बार तो ऐसा था कि बॉर्डर पर ज़्यादा मेहनत कर दी गई है, है ना। तो ये है। उसके अलावा जो पटना शैली के चित्र थे वो जो आम परिवेश था, जो उस समय का तत्कालीन समाज था, है ना, वहाँ का रहन सहन परिधान, उनको अपनी पेंटिंग्स का विषय बनाते थे, सब्जेक्ट इनके बहुत ही लोकप्रिय टाइप के होते थे, है ना। तो बेसिकली पटना शैली इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि इसके चित्रों से जो है ना जनता की अभिव्यक्ति होती थी। तो बनाने वाले भी आम लोग थे, तो उसको क्योंकि राजश्री उस टाइम तक औपनिवेशिक काल आ चुका था, ख़त्म हो चुका था, तो जो ऑडियंस थी वो भी जनता थी, साथ में जो पेंटिंग के विषय थे वो भी जनता थे, है ना। तो आप बता सकते हैं कि इनके जो विषय रहते थे वो इस टाइप के रहते थे, जैसे लोहार का चित्र है, पतंग बनाने वाला है, मछली बेचने वाली है, ठीक है, शादी ब्याह है, तो मान लीजिए कुछ त्यौहार मेले हैं, खासकर जो हॉट बाजार
रखते थे वहाँ पे, तो ये सब विषयों के साथ ये लोग चित्र बनाते थे। ठीक है, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि भाई जो तुलिका थी उसका जो निर्माण होता था तो वो गिलहरी के बाल से होता था। ठीक है, मतलब ये लोग ब्रश भी खुद ही बनाते थे, तो इस टाइप की चीज़ें हैं। कागज जो था उसको भी एक्चुअली खुद ही प्रिपेयर करते थे। उसके अलावा जो है कुछ रंगों के, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ कुछ बता सकते हैं कि जैसे नीला जो है नील से बनाया जाता था, है ना। तो उसके अलावा गेरुआ रंग एक स्थानीय प्रकार की, सॉरी स्थानीय मिट्टी आती थी एक, तो उससे बनाया जाता था। तो ये सारे विशेषताएँ आप बता सकते हैं। उसके अलावा देखिए ये है कि जब लुप्त तो होते हुए कला के कारणों पे आपको बताना है, तो बताएंगे कि देखिए क्या है कि औपनिवेशिक काल आते आते राजाश्रय तो समाप्त हो गया था, और जिनकी वजह से ही हमारे भारत में जो है जिसकी वजह से भारत में जो है हमारी कला बहुत फली फूली है। तो औपनिवेशिक काल में तो धीरे धीरे ख़त्म हो ही गया था, तो अंग्रेज जो थे वो अपनी पसंद के हिसाब से चीज़ें बनवाते थे। तो एक तरीके से मार्केट में ही पेंटिंग जो है बिकती थी, कुछ ऐसा नहीं था कि राजा ने अपने यहाँ पे राजाश्रय दे के कलाकारों को रखा हुआ और उनको बाकी जो है अपनी जीविका की चिंता नहीं है और उनको सिर्फ अपना कला पे काम करने का ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इन कला के जो है कला के विलुप्त होने का। उसके अलावा क्या है कि कैमरा वगैरह के जब विकास हो गए तो उसके बाद जो है कि पेंटिंग्स वगैरह जो है खरीद के लगाने की जो प्रवृत्ति थी लोगों में वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होती चली गई। उसके अलावा जो विदेशी सैलानी थे वो पटना आने कम शुरू हो गए। तो ये बहुत सारे कुल मिला के जो है कारण रहे जिनकी वजह से जो है ये कला लुप्त हो गई। तो इनको तो आप बेसिक अपनी समझ के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि कोई चीज़ अगर ख़त्म हुई है तो उसके ख़त्म होने का क्या कारण रहा होगा, है ना, तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास की व्याख्या करनी है, साथ में इनकी भूमिका बतानी है। तो देखिए ये कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इसमें बहुत कुछ समझने वाला है। आपके नोट्स में जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे या फिर आपने जो है कहीं बुक से पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा दिया हुआ होगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम शिक्षा के विकास की बात करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पहले जो है प्राचीन काल से ही बिहार एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा था। तो आपके यहाँ पे विक्रमशिला, नालंदा इस तरह के विश्वविद्यालय रहे थे, लेकिन औपनिवेशिक काल तक आते आते जो है शिक्षा पतन होना प्रारंभ हो गया था। फिर औपनिवेशिक काल में आप बता सकते हैं कि दो तरीके से विकास हुआ। जैसे पहले आपका जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में एक तरीके से ये कि प्राच्य और अंग्रेजी विवाद शुरू हुआ, तो फिर फाइनल डिसीजन हुआ कि भाई सरकारी पैसा जितना भी है वो सारा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर लगाया जाएगा। उसके अलावा देखिए जब वुड्स डिस्पैच आ गया, तो वुड डिस्पैच के बाद जो है जो तकनीकी और विश्वविद्यालय थे उनको स्थापित करने पर ध्यान दिया गया। तो उसी दौरान जो है 1863 में, उसके बाद जो है आपका 1863 में पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, उसके अलावा जो है कि जब आधुनिक बिहार का जो निर्माण हुआ है उसमें ही जो हमारे पटना कॉलेज के छात्र थे इनका बहुत योगदान रहा है, है ना। तो ये चीज़ें फिर उसके बाद जो है आप चीज़ें बता सकते हैं, जैसे जो आप हमारे यहाँ पे आंदोलन हुए उसमें छात्रों का कितना ज़्यादा योगदान रहा है ना। तो छात्रों ने जो है हर आंदोलन में जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया थी। उसके अलावा जो पाश्चात्य तकनीकी और इन सब जो वहाँ के दार्शनिक थे इन सब का जो शिक्षा प्रसार हुआ, वो जो शिक्षा छात्रों ने ली, तो वो जो मूल्य उन्होंने प्राप्त किए फिर उसका प्रयोग उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को समझने और उसमें भाग लेने में किया। तो इस तरह के पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। इसी तरह जब आप प्रेस के विकास की बात करेंगे तो फिर आप इसमें कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि किस तरीके से जो है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं में ही जो है यहाँ पे पत्रकारिता का विकास हुआ है। ठीक है, उसमें आप बता सकते हैं कि देखिए जो आपका द बिहारी अखबार था, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि बिहार में जो अंग्रेजी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ था वो 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि दी सर्च लाइट जो था इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसके अलावा जो ये आप बोल सकते हैं कि
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें जो है राष्ट्रवादियों के बीच एक प्रवक्ता के रूप में जो द सर्च लाइट था उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, है ना। उसके बाद आप हिंदी पत्रकारिता के बारे में बता सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि बिहार बंधु हमारा जो न्यूज़पेपर था। अब देखिए ये सब पॉइंट्स तो आप कर लेंगे, आपने तैयार कर भी लिए होंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर देखिए वर्ल्ड पूछा है आधुनिक बिहार, तो आप सिर्फ जो है बिहार से रिलेटेड चीज़ों को लेते हुए चलेंगे, जैसे पॉइंट्स मैंने भी डिस्कस किए। लेकिन अगर सिर्फ पूछ लेता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका, है ना, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने एक राष्ट्रीय लेवल पे चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने जो आपके यहाँ के जो न्यूज़पेपर हैं, जो किताबें हैं, वो जो नेशनल लेवल पे जिन रही थी उस समय में, उन सबको आपने यहाँ पे बताना रहेगा। तो इजी है, सिर्फ याद आपको पॉइंट्स होने चाहिए, उसके बाद आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में किसान आंदोलन के स्वरूप का वर्णन करना है, और साथ में बिहार के संदर्भ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के योगदान का वर्णन करना है। तो देखिए क्या हुआ था कि जब 1922-23 में किसान सभा का जो है गठन किया गया था, ठीक है, किसान जो है पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित थे, तो जैसे जमींदारी प्रथा की थी, उसके बाद बकाश्त भूमि से बेदखल करने का मुद्दा था, लगान बहुत ज़्यादा होते थे, अकाल के समय भी राहत नहीं मिलती थी, उसके अलावा जो ये विश्व युद्ध चलते थे तो इनकी वजह से जो है महंगाई बहुत ज़्यादा पहुंच जाती थी, किसान जो है इनकी उपजों को बहुत कम दाम पे खरीदते थे, तो बहुत सारी समस्याएँ थी जो कि देखा जाए तो औपनिवेशिक काल की ही वजह से उत्पन्न हुई समस्याएं थी, ठीक है। तो धीरे धीरे किसान समझ गए कि ये जो ब्रिटिश सरकार है यही हमारी समस्याओं का मूल कारण है, तो इसको हटाकर ही हम जो है इनसे निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या है ना कि आंदोलन को दो भागों में दिखा सकते हैं, एक आपके 19वीं शताब्दी के आंदोलन थे, उसके बाद एक आपके 20वीं शताब्दी और उसके बाद के आंदोलन थे। दोनों में क्या फ़र्क है, जो 19वीं शताब्दी के आंदोलन थे उसमें राष्ट्रीय जागरूकता या संगठन की भावना किसानों के अंदर नहीं आई थी, उस टाइम उनको अपने तत्कालीन शत्रु ब्रिटिश अधिकारी या जमींदार ही लगते थे, उनको इतना नहीं समझ हुआ था कि जो है जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारी जो है एक तरीके से इन दुखों का कारण है। वही 20वीं शताब्दी में क्या है, किसानों को एकता अपनी पता चल गई थी, चंपारण के बाद पता चल गया था कि संगठन की शक्ति है, आप अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो ये जो दो बहुत बड़े एक तरीके से विशेषताएं हैं इन दोनों दशकों की रही थी। अब आ जाइए यहाँ बताते हैं, तो हम बताते हैं कि 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया था, उसके अलावा एक बड़ा मोड़ तब आया जब जो है 1928 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, इसकी औपचारिक ढंग से स्थापना की गई, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक निर्णायक मोड़ उसके बाद तब आया जब बिहटा में जो है आपके किसान सभा आंदोलन को आयोजित किया गया, और इसके बाद जो हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वो जो है किसान सभा के निर्विवाद नेता हो गए। उन्होंने केवल उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये आप समझिए 1933 में 170 के लगभग किसान सभाएं की थी, जिसके अंदर बहुत बड़ी व्यापक भागीदारी किसानों की हुई थी। तो ये आप समझ गए होंगे कि 1933 तक आते आते किसानों के अंदर एक वर्ग चेतना है ना, जिसे मार्क्स ने बोला है, तो एक वर्ग चेतना आ गई थी कि हम किसान हैं, हमारी विशेष समस्याएं हैं और ये उपनिवेशिक शासन के कारण ही जन्मी है, ठीक है। उसके अलावा आप बताएंगे इसमें कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1933 में एक जांच कमेटी की भी स्थापना कर दी थी, जिसका मेन कार्य था किसानों की आर्थिक दशा की तरफ ध्यान दिलाने के लिए। और किसान सभा की लोकप्रियता में इस कदर वृद्धि हुई कि 1936 तक आते आते आप देखेंगे कि 2.5 लाख तक इसकी सदस्यता जो है पहुंच गई थी। तो ये तो बात हुई जो आपने बेसिक चीज़ें बताई। अब आपको स्वरूप बताना है, तो स्वरूप बताने में जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी का पहले आप बताएंगे, उसके अलावा स्वरूप में आप बताएंगे कि देखिए किसानों में पहले संगठन की एकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जो है संगठन की एकता जो है किसानों के अंदर आनी शुरू हुई। इसमें आप चंपारण का उल्लेख करेंगे कि चंपारण आंदोलन किसान आंदोलनों में एक मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। इसके अलावा
अलावा जो है आप बताएंगे कि किसानों के अंदर अंदर धीरे धीरे जागरूकता पैदा हुई थी और उन्होंने अदालतों के माध्यम भी अपनी बातों को मनवाना शुरू कर दिया था, है ना। तो वो जो कानूनी रास्ते थे उनको भी अख्तियार करने लगे थे, लेकिन किसानों अपनी मांग को लेके कभी कभी हिंसा का मार्ग भी अपना लेते थे, है ना। जैसे एक किसान सभा हुई थी जहाँ पे तोड़फोड़ हो गई थी और उस तोड़फोड़ के बाद जो है कांग्रेस ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया था। साथ में जो किसान आंदोलन है उसका कांग्रेस के साथ जो है मतभेद और मेल मिलाप चलता ही रहा है। ये जो 1935 में जब इन्होंने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया और बार बार ये जो है इस मुद्दे को उठाने लगे, तो जमींदारी उन्मूलन ने एक लोकप्रिय नारे का रूप ले लिया, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो दो मांगे और थी, एक थी जो बकाश्त भूमि थी उसकी वापसी और उसके अलावा जो गैर कानूनी बेदखली होती थी उसको बंद करना जो है ये चाहते थे। ये तीन इनकी मुख्य मांगे थी। तो उसके बाद ये थी, तो लेकिन उसके बाद क्या है कि जब किसान सभा का कांग्रेस के साथ मतभेद होने लग गया और जब कांग्रेस की मंत्रिमंडल की सरकार बनी थी और उस मंत्रिमंडल की सरकार ने जो है अपनी तरफ से कोशिश की बकाश्त भूमि को वापस करने की और लगान की दर को कम करने की, लेकिन देखिए वित्त का पूरा एक तरीके से कहा जाए ना नियंत्रण वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही था, तो कांग्रेस आशा के अनुरूप काम नहीं कर सकी। तो इससे क्या है कि जो किसान थे उनको मतलब काफ़ी निराशा महसूस हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी झुकाव धीरे धीरे क्या है साम्यवाद की तरफ होने लग गया और फिर 1943 तक आते आते वो जो है इस किसान आंदोलन से अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स जो है इसको बता सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उसके अलावा देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के योगदान का वर्णन करना है तो आप लिख ही देंगे कि इन्होंने औपचारिक रूप से इसका गठन किया था, है ना। तो इनके रहने पे जो है इतनी ज़्यादा सदस्यता पहुंच गई थी, तो इन्होंने ही जो है जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव को पारित करने में एक बहुत बड़ी एक तरीके से भूमिका निभाई थी, ठीक है। इन्होंने इस आंदोलन में एक नई दिशा दी थी और संघर्षशील बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो इस टाइप के पॉइंट्स जो हैं जो आपने अपने प्रिपेयर किए होंगे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका जो पूरी इतिहास की समझ है उसको एक्चुअली दिखाता है। तो आपने क्या करना है कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था 1857 में, जहाँ पे आप जमींदार कुंवर सिंह के योगदान से लेके शुरुआत करते हैं वहाँ से, उसके बाद उससे भी पहले जो आपके आदिवासी आंदोलन हुए थे, जो आपका तेभागा आंदोलन हुआ था, उसके अलावा जब आप वापस आएंगे तो चंपारण आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो क्रमशः जितने भी आंदोलन हैं उनको जो आपने पढ़ा है और उसमें आपने जो बिहार के योगदान को पढ़ा है, महिलाओं की भूमिका, युवाओं का योगदान, राष्ट्रीय शिक्षा में जो चीज़ें बदलाव हुए उनसे जो बिहार पे फिर प्रभाव पड़ा, प्रेस का जो योगदान रहा है, वो सारी चीज़ों को बताते हुए आपने क्रमशः हर आंदोलन के अंदर बिहार की भूमिका को बताना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। उसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के कारणों की व्याख्या कीजिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार से एक्चुअली इसने दिशा दी, इस पे चर्चा करनी है। हालांकि बिहार के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपका तैयार होना चाहिए। तो देखिए बंगाल विभाजन क्या है, उस समय बंगाल जो है राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक मुख्य केंद्र बन गया था, तो अंग्रेज क्या है कि उस बंगाल में जो वो जो राष्ट्रवादी एक लहर चल गई थी इसको बेसिकली ख़त्म करना चाह रहे थे, तो इसके लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा बंगाल विभाजन का। इन्होंने बहाना लिया कि ये लोग प्रशासनिक सुविधा की वजह से जो है बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो है एरिया, ये बात इनकी सच नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे हम आपके जो बम्बई और मद्रास प्रांत थे वो भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन इन्होंने बंगाल को ही पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजन करने की बात की ताकि पूर्वी बंगाल एक तरीके से मुस्लिम बहुल एरिया बन जाए और ये सांप्रदायिक जो तत्व है यहाँ पर ला सके, क्योंकि बंगाल में उस टाइम पर एकता थी बहुत ज़्यादा
और राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा मंच बन के बंगाल उभरा था। तो ये कुछ कारण रहे थे जिनकी वजह से जो है ब्रिटिश सरकार इसका विभाजन करना चाहती थी। अब देखिए उसके बाद आप लिख लेंगे इस इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। तो आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन के विद्रोह के फलस्वरूप एक्चुअली एक तरीके से पूरे बंगाल में, उसके बाद धीरे धीरे बंगाल के बाहर भी आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों ने मिलकर अपने अपने तरीके से जो है विद्रोह करना शुरू किया और एक स्वदेशी आंदोलन जो कि भारत के लिए एकदम नया था, स्वदेशी आंदोलन का जो है यहाँ पर प्रभाव हुआ, शुरुआत हुई, जिसका बाद में गांधी जी ने भी अपने आंदोलन में प्रयोग हुआ। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, ये भी भारत के लिए नई चीज़ थी। और जो ये जो स्वदेशी की भावना थी इसको जो यूरोप का नेशनलिज्म था उसके समक्ष खड़ा कर दिया गया कि अगर आप अपने यूरोपीय दम में हैं तो हम अपनी स्वदेशी की राष्ट्रीय भावना के साथ हैं, है ना। तो इस 905 के बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था इसके बहुत सारे प्रभाव पड़े थे। जैसे आगे चल के क्या है कि जो कांग्रेस का गर्म दल और नरम दल था, ठीक है, उनमें फूट पड़नी शुरू हो गई थी। इसके अलावा सांप्रदायिकता के बीज इन्होंने बो दिए थे। फिर 906 में आपकी मुस्लिम लीग खड़ी हो गई थी, स्वदेशी आंदोलन जैसा हथियार मिल गया था। ठीक है, जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे उनका बहुत योगदान रहा था, लेकिन बाद में जो है हिंसा के कुछ मामलों को देखते हुए ये इस आंदोलन से अलग हो गए थे। ठीक है, भारतीयों ने पहली बार एक साथ खड़े होकर जो है इनका विद्रोह किया था 1857 के बाद से। तो इस तरीके से एक आत्मविश्वास की भावना आनी शुरू हुई थी। और फिर फाइनली जो है इन्होंने बंगाल विभाजन को काफ़ी हद तक, है ना, अपने जो राष्ट्रीय आंदोलन में के अनुरूप ढाल भी लिया था, उसका उन्होंने आगे जाके प्रयोग किया। तो ये सारे पॉइंट्स लिख के आप जो है कवर कर देंगे। तो बेसिकली हिस्ट्री में क्या है कि बस आपकी अपनी पॉइंट्स तैयार होना चाहिए, उसके बाद आपने उनको इंटरकनेक्ट करते हुए लिखना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। देखिए आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, अपने और फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग वीडियोज़ में लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर पता नहीं चलता है कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं। अगर आप फीडबैक ही नहीं देंगे तो आप जो चाहते हैं वो आप तक पहुंचेगा नहीं। हम लोग अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आपको भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाहिए, तो आप अपना पार्टिसिपेशन ज़रूर दिखाइए। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत कम दिन रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच।